नमस्कार। जय सियाराम सभी भक्तों को, हर हर महादेव। मैं शास्त्रीय पंडित विवेक कुमार त्रिपाठी, आज हम बता रहे हैं कि घर में तुलसी के पौधे को किस दिशा में लगाना चाहिए और उसको लगाने से क्या फ़ायदा होता है। तो हमारे धर्म ग्रंथ देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि तुलसी का पौधा जो है हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। उसको घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं और जो नकारात्मक ऊर्जाएं और बीमारी जैसे कारण होते हैं वो स्वतः ही नष्ट होने लगते हैं। तुलसी इतनी पवित्र होती है कि उसको लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। और तुलसी को लगाना है तो उत्तर और पूर्व दिशा में जो ईशान कोण होता है उस दिशा में तुलसी का वृक्ष लगाने से सुख संपत्ति और धन वैभव की प्राप्ति होती है। और आग्नेय कोण जो पश्चिम और दक्षिण और पूर्व का कोण है उसमें अग्नि का कोण माना जाता है। उस आग्नेय कोण में लगाने से तुलसी को पौधा हानिकारक प्रभाव देता है, इसलिए आग्नेय कोण में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो तुलसी का पौधा उत्तर और पूर्व दिशा में जो ईशान कोण होता है उस कोण में लगाना चाहिए। पहले समय में क्या था कि गांव में कच्चे मकान हुआ करते थे, कच्चे मकानों में लोग आंगन में अपने तुलसी का पौधा लगाते थे। लेकिन अब शहरों में क्या है कि पक्के मकान हैं, पक्के मकानों में तो आंगन है नहीं, तो अब बात उठती है कि तुलसी का पौधा लगाएं कहाँ। तो घर के बाहर तो लगा नहीं सकते, तो इसको अपने छत में जाना है। छत में जो पूर्व और उत्तर का जो कोण रहता है ईशान कोण, या ईशान कोण में रख दें, गमले में लगा सकते हैं। और यदि छत में भी जगह नहीं है तो फिर खिड़की के पास गमले में रखकर व्यवस्था की जा सकती है। इससे क्या होता है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश करती हैं तो तुलसी के वृक्ष में इतना सामर्थ होता है कि वह सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है, जिससे घर में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि तुलसी का पौधा स्वतः ही समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देता है एवं सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। हाँ, यदि शास्त्रों में बताया गया है कि देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि यदि तुलसी का पौधा सूख जाता है तो वह इस चीज़ का संकेत मिलता है कि इस व्यक्ति के घर में, जिसके घर में लगा रहता है तुलसी का पौधा, उससे पता चलता है कि मतलब उसके घर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली है या किस प्रकार की आशंकाओं का कारण। यदि तुलसी का वृक्ष सूख जाता है तो उसको रविवार के दिन स्पर्श नहीं करना। उसको सूख जाने पर भी तुलसी के पौधे को किसी पवित्र नदी, जलाशय, तालाब या पवित्र तालाब आदि में विसर्जन कर देना चाहिए।